दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की वजह से। और ये वीडियो दोस्तों इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंटली अगर आपको नहीं पता, अगर आप मतलब आपको पता नहीं है कि रिसेंटली इसका क्या सीन बना, जो कि बहुत ही रेयर केस है, सभी को ऑलमोस्ट पता है इंडस्ट्री में कि काफ़ी लोगों ने लाखों रुपए गवा दिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हुए। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए डेडिकेटली, और सभी जितने भी इसके अलावा ये सब शिट कॉइन्स है, जो भी मीम कॉइन्स है, उनके बारे में एक बार मुझे अपनी वर्डिक्ट देनी चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग सभी यार नए लोग, आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या है क्रिप्टो में, कैसे चीज़ें काम करती है। और काफ़ी बार लोग इसको स्टॉक मार्केट से कोरिलेट कर देते हैं कि ये मे बी एक पेनी स्टॉक है जो कि अंडर वैल्यूड है, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्रिप्टो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या इंसिडेंट बना इस शिबा इनू कॉइन को लेके, जो एक्सचेंज है ओजीरेक्स, उसको क्या ये स्टेप्स लेने चाहिए थे, और क्या फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स से, इन कॉइन से, कि कहाँ तक मतलब इनका सीन बनेगा, तो उस बारे में आज के वीडियो में दोस्तों बात करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने आई थिंक एक घंटे पहले अपने वेबसाइट पे इसको लेके एक आर्टिकल भी लिख रखा है जो कि आप पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने अपना खुद का ओपिनियन लिखा है जो कि मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये जो बेसिकली कॉइन है शिबा इनू, ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर को, और कोई भी यार इसका फंडामेंटल नहीं है, कुछ भी टीम मेंबर्स के बारे में एज सच इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कॉइन मार्केट कैप पे। बस यही लिखा हुआ है कि ये तो भाई एक डॉज कॉइन किलर के फॉर्म में क्रिएट किया गया था। ये देखो डॉज कॉइन किलर, और मैंने दो तीन दिन पहले यार वीडियो डाला है कि डॉज कॉइन में इन्वेस्ट मत करो, और ये है डॉज कॉइन किलर, मतलब क्या ही सेंस बना रहा है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। और फिर भी इसका इतना ज़्यादा हाइप बन गया, लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा वो इसमें घुस गए कि भाई पता नहीं क्या सीन बना। यहाँ पे देखो, अगर आप चार्ट को ठीक से देखोगे ना, यहाँ पे रिसेंटली ये सीन बना था कि अगर मैं एक इंस्टेंस को पकड़ूँ, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो क्रिप्टो में, आप एक कॉइन को ट्रैक करते हो, देखते हो कि भाई वो तो एक दिन में लास्ट 24 आवर्स में उसने 100% रिटर्न दिया है, और आप को इसका कोई आइडिया नहीं है, आप तो स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आप बिलीवर हो, तो आपको लगता है यार ये तो बहुत सही है यार, पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे को इस कॉइन में इन्वेस्ट करना है। आप कितना भी प्राइस हो, किसी भी एक्सचेंज में हो, घटिया से घटिया एक्सचेंज में हो, मुझे जाके इस कॉइन को लेना है बस। तो ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सीन बन गया, क्योंकि लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं था कि ये जो शिबा इनू प्रोजेक्ट है वो एक मीम कॉइन है, एक यूजलेस हाइप है जो कि क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे। और ये जो दोस्तों हाइप है, क्योंकि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं था, और लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें पैसे कैसे डालें, मैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करूँ, मेरे को शिबा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है किसी भी तरीके से, और किसी भी एक्सचेंज पे ये लिस्टेड नहीं था। तो बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया, वजीरेक्स ने इसको लिस्ट किया, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अभी लिस्ट किया है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड है। तो अगर लोग सोचेंगे कि यार मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली लाइक एक्सचेंजेस का भी मैं पर्सपेक्टिव दूंगा, और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे, बट बेसिकली यही सीन बना कि एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट किया क्योंकि लोग इसका डिमांड कर रहे थे। अभी दोस्तों यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स आती है, पहला है एज ए कंज्यूमर आप क्या सोचोगे अगर आपने पैसे गंवाए हैं इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले यार मैं भी यही मानता हूँ कि एक्सचेंजेस को ना ऐसे कॉइन्स को लिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है क्रिप्टो में वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर स्टेज में है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, क्योंकि लोगों को इसमें कोई आइडिया नहीं हो रखा है कि कॉइन्स कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल आइडिया जब तक क्लियर नहीं हो जाता मार्केट में। क्योंकि पहली बात देखो, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट इसको कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर जो बिटकॉइन है जो कि क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका भी अगर कभी कभार वो एक दिन में 15-20% डाउन चला जाता है, तो लोगों का मतलब ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आप बिटकॉइन को छोड़ के, जो कि सबसे सेफेस्ट है क्रिप्टो में, अगर आप किसी और ऑल्ट कॉइन में पैसा डाल रहे हो, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि आपका जो कैपिटल है वो 50% नीचे भी जा सकता है, मे बी 60% नीचे चला जाए, बट ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। तो ये जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं हो जाते लोगों के दिमाग में, जब तक लोग सोचते हैं कि यार ये तो स्टॉक मार्केट जैसा ही है, मेरे को तो पता है कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, यार ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट,
तो यहाँ पे एक बहुत ही मुझे लगता है एक्सचेंजेस को अभी, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा सच रेगुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना है, कुछ लॉ नहीं आया है, तो अगर अभी इन्वेस्टर्स ऐसे लाखों रुपए गवा देंगे, लोग ऐसे मतलब पैनिक मोड में चले जाएंगे कि ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, तो जो रेगुलेशंस है मे बी वो इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट आ जाए, तो फिर तो भाई मतलब इनोवेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मे बी एक्सचेंजेस को ऐसा करना चाहिए कि एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे वो नए कॉइन्स को लिस्ट करे फॉर इंडिया, और ऐसे मे बी शिट कॉइन्स को लिस्ट ना किया जाए। अभी दोस्तों ये था मेरा पर्सपेक्टिव। अब अगर मैं एक एक्सचेंज ओनर होता, अगर मैं एक एक्सचेंज चला रहा होता, मैं ये देखता कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, मेरे कंपनी के जो यूजर्स है वो क्या मांग रहे हैं, और अगर मेरे को उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा उसको, राइट। तो यहाँ पे अगर लोग ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पे, वो लोग पे करते हैं ट्रेडिंग फीस, और यहाँ पे लोग मांग रहे हैं भर भर कि भाई शिबा कॉइन को लिस्ट करो, मेरे को इसको ट्रेड करना है, मैं इस पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हूँ, तो एक्सचेंज भी सोचेगा ना कि यार ये तो सही डिमांड है, क्योंकि मेरे को तो हर ट्रेड पे कमीशन मिल रहा है, तो मैं तो क्यों नहीं लिस्ट करूंगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता। अगर कंज्यूमर्स मांग रहे हैं एक चीज़ और आप ऐसे गेटकीपर खड़े हो जाते हो कि मैं तो नहीं दूंगा आपको ये चीज़ खरीदने, तो वो तो बेसिकली रेगुलेशन टाइप हो गया ना, क्योंकि क्रिप्टो बेसिकली है एक डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के ऊपर। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको ये कॉइन खरीदने नहीं दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो दोनों ही साइड्स को देखना पड़ता है कि यार क्या हम लोग बोले, एक एक्सचेंज को ब्लेम करें या फिर लोगों को ब्लेम करें, क्योंकि यहाँ पे विदाउट नॉलेज अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा। और ये बेसिकली जो लिस्टिंग है वज़ीरएक्स पे वो हुआ था, अभी अपने न्यूज़ देखा होगा कि जो विटालिक है उन्होंने $1 बिलियन इन शिब कॉइन डोनेट किया इंडिया कोविड रिलीफ फंड में। कोई बड़ा अमाउंट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है कंसिडरिंग डोनेशंस, तो उसी के बाद ये लिस्ट हुआ, इसका हाइप वगैरह बन गया और फिर ये जो चीज़ है वो हुई। बट यहाँ पे वज़ीरएक्स ने एक और प्रॉब्लम हो गया था, वो था लिक्विडिटी को लेके। तो क्योंकि ये जो कॉइन एक्सचेंज ने एक मतलब निश्चल सर ने ट्वीट किया कि क्योंकि ये कॉइन जो है वो रैपिड लिस्टिंग में इनिशिएट हुआ था, तो इसमें जो डिपॉजिट्स और विद्रॉल्स है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था, और जो वज़ीरएक्स का लिक्विडिटी प्रोवाइडर उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टोकन्स दे रखी थी, जो कि ऐसा सोचा गया था बेस्ड ऑन डिमांड कि इतना तो भाई लगेगा, बट लोग आ गए उससे बहुत ज़्यादा और डिमांड एकदम से शूट अप हो गया। तो हुआ ये इसके कारण से जो प्राइसेस है वो मतलब अभी जो लाइफ प्राइस है वो कुछ 1 पैसे के करीब है, और वो चला गया था 3 रुपये 2 रुपये पे। तो कुछ यूज़र्स ने उसमें से प्रॉफिट निकाले, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट निकाले, और कुछ यूज़र्स को भयंकर लॉस हुआ जहाँ पे उनका पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो इसके जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया, जहाँ पे इस यूज़र ने देखो भाई 9,700 रुपये देखे 11 लाख रुपये इसने निकाले हैं, जो कि लगभग होता है $15,000, ठीक है। मतलब $100 दे के बंदा अगर $15,000 कमा रहा है तो सही है, सही डिसीजन होता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट एंड पे ये भी एक ट्वीट है जहाँ पे एक ने 6 लाख रुपये लगाए थे शिप टोकन में और वो कन्वर्ट हो गए, बस 800 रुपये बन गए। तो ये भी एक और एंगल है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो कोई बंदा कमाएगा, कोई बंदा गवाएगा, ये मार्केट का सीन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज बीच में नहीं आता। बट ये जो लिक्विडिटी का इशू आया, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, ग्लोबल प्राइसेस पे लिस्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पे वज़ीरएक्स के सीईओ ने मतलब निश्चल सर ने ट्वीट भी डाला है कि कुछ एक कंपनसेशन वो लोग निकालेंगे, तो उसका जब भी अपडेट आता है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। बट ये अभी रिसेंटली सीन बना है शिप टोकन के साथ, और इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा शिटकॉइन लिस्ट होता है, क्या आपको इसमें कूद जाना चाहिए बिल्कुल ना रिसर्च करके, बिल्कुल कुछ ना देख के? यार नहीं भाई, थोड़ा रुक जाओ, अभी ये जो सीन है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि भाई ये 30% अगर डाउन चला जाए तो मेरे को फाइनेंशियली कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। और भाई कुछ लोगों के ना ऐसे सीरियसली ट्वीट्स आ रखी थी जहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि मैंने तो 3 लाख रुपये उधार लिया किसी से, और अगर मैं उसको पैसे नहीं लौटाऊंगा तो मतलब पता नहीं क्या ही दिन हो जाएगा। तो मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ऑडियंसेस को, जो लोग मुझे देखते हैं, कि कभी भी उस पैसे को इन्वेस्ट मत करो क्रिप्टो में जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट फंड है उसको आप क्रिप्टो में मत डालो। उसके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती है, जैसे कि FD हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब चीज़ों में पैसे डालो यार। क्यों उनको अभी 2x करना है, 3x करना है? सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करो जो कि आप 100% भी अगर चला जाए तो आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। और कभी भी यार बोरो करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक लाइफ लेसन, कुछ लोगों ने इसको हार्ड तरीके से एक्सपीरियंस किया अभी, तो बस यार ये हर साल होता है ऐसा, ये मतलब बिल्कुल ही कॉमन है।
तो और क्या बात करूँ मैं इस पर, तो मैंने बेसिक समरी आपको दे दिया। आई होप को वीडियो पसंद आया होगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देना कमेंट्स में। आपको क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी वो सब भी बता देना कमेंट सेक्शन में। तो अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।